वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, इसलिए इसे हमने सेकेंड में पुट किया है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x-2y=2, एक्स के प्लेस में ये सारी वैल्यू पुट अप कर दी। फिर यहां से हमने वाई की वैल्यू निकाली और जो एक्स की वैल्यूज थी इस पूरी वैल्यूज में y की जगह पे कितना पुट अप कर दिया 1, तो हमारी x की वैल्यूज आ गए। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दो मेथड हमारे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया हमारे। तीसरा मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद होनी चाहिए। ये बातें आप याद रखेंगे, बी सी ए बी, बी सी ए बी, सिमिलरली अगेन बी सी ए बी, बी कैर, आप ऐसे भी याद कर सकते हो बी कैर, ताकि मिस्टेक ना हो। और यहां पे हम लिखेंगे 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, और यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे 2, और यहां पे 2, और यहां पे 2। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है और इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, 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 और इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है। यहां पे हम लिखेंगे x, यहां पे हम लिखेंगे y, यहां पे हम लिखेंगे 1। बी कैप, फर्स्ट बी कैप में 1 1 1, नीचे वाले बी कैप में 2 2 2। तो जब आप इसका मैथमेटिकल रिलेशन लगाओगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा क्या, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बच्चों, या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले याद करो, या आप इस तरीके से पहले लिख लो बी कैप 1 1 1, 2 2 2, xy1, फिर आप इसे ये जनरेट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 3x+4y-10=0, 2x-2y-2=0। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 होगा, y का कोएफिशिएंट b1 होगा, कांस्टेंट टर्म c1 होगा। दूसरी इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट a2 होगा, y का कोएफिशिएंट b2 होगा, कांस्टेंट टर्म c2 होगा। बच्चों, अब हमें सिर्फ और सिर्फ b1 c2 b2 c1 c1 a2 c2 a1 a1 b2 a2 b1, इस सब के सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, x अपॉन b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b1 की वैल्यू कितनी है +4, और c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो 4 × -2 माइनस b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b2 की वैल्यू -2। बच्चों, जो नेगेटिव टर्म होगा उसे आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेना ताकि मिस्टेक ना हो। c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -10। ओके, y अपॉन c1 की जगह पे कितना है, -10, और a2 की जगह पे कितना है, 2, माइनस c2 की जगह पे कितना है, -2, और a1 की जगह पे कितना है, 3, =1 upon a1 b2, a1 की जगह पे कितना है, 3, और b2 की जगह पे कितना है, -2, माइनस a2 की जगह पे कितना है, 2, b1 की जगह पे कितना है, +4, 2 × 4। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, और माइनस प्लस और माइनस 3 टाइम्स है तो माइनस होगा, 2 × 10 = 20 −10 को 2 से मल्टीप्लाई करो -20, माइनस और माइनस क्या होगा +2 × 3 = 6 −1 upon 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो -6, −2 × 4 = 8। ओके, ये हो जाएगा x अपॉन −28 = y अपॉन −20 + 6, कितना होगा -14, −1 upon −6 − 8, कितना होगा -14। ओके बच्चों, इसके बाद इस फर्स्ट वाले टर्म को थर्ड के इक्वल रखेंगे,
अगेन सेकेंड वाले टर्म को थर्ड के इक्वल रखेंगे। ध्यान से देखना, अगर इस वाले टर्म को इसके इक्वल रखोगे तो क्या होगा, x अपॉन माइनस 28 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 14। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा माइनस 14x, माइनस 28 को 1 से करेंगे कितना होगा माइनस 28, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, तो x इक्वल टू 28 अपॉन 14, x इक्वल टू 28 14, टू जा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। सिमिलरली सेकेंड वाले टर्म को थर्ड के इक्वल रखो, y अपॉन माइनस 14 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 14। सेकेंड वाले को थर्ड के इक्वल रखने के बाद अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14y इक्वल टू माइनस 14 को 1 से करेंगे माइनस 14, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, तो y इक्वल टू 14 अपॉन 14 विच इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो बच्चों इस तरीके से यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो असल जो चीज है वो ये है, ये सारे रिलेशन हमें अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए। तो आप ऐसे याद करो बी कैप बी सी ए बी, अगेन बी कैप, फर्स्ट इक्वेशंस के लिए 1 1, सेकेंड इक्वेशंस के लिए 2 2 अप्लाई करेंगे आप। इसके बाद ये होगा एक्स, ये होगा वाई और ये होगा हमारा 1। तो रिलेशन क्या बनेगा, एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन और ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, 1 अपॉन। ओके, इसके बाद बी वन सी टू बी टू सी वन, सी वन ए टू सी टू ए वन, ए वन बी टू ए टू बी वन की वैल्यूज हमें इस दोनों लीनियर इक्वेशन से निकालनी है। याद रखना जो कॉन्स्टेंट टर्म है लीनियर इक्वेशन का वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, आर एच एस में 0 होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट a1 होगा, y का कोएफिशिएंट b1 होगा, कांस्टेंट टर्म c1 होगा। यू हैव टू इंक्लूड दी साइन, यहाँ पे b1 की वैल्यू +4 होगी, c1 की वैल्यू -10 होगी। जो भी टर्म आप ले रहे हो उससे पहले जो साइन है उस साइन को हम मेंशन करेंगे, अगर आप साइन में मिस्टेक करोगे आंसर रॉन्ग होंगे आपके। x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, x का कोएफिशिएंट a2 की वैल्यू 2 होगी, b2 की वैल्यू -2 होगी, c2 की वैल्यू -2 होगी। इन सारी वैल्यूज को इससे पुट अप करना है। ये तीन रिलेशन सारे हमारे दिस दिस दिस, फर्स्ट रिलेशन को थर्ड के इक्वल रखेंगे, जब फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यूज आ गई, अगेन सेकेंड को थर्ड के इक्वल रखेंगे, सेकेंड को थर्ड के इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से किसी भी दो लाइन के इंटरसेक्टिंग प्वाइंट को आप निकाल सकते हो। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीखा। आज आप जाकर के काम करना, लीनियर इक्वेशंस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक नॉर्मल इक्वेशंस वाले जिस इक्वेशंस को नॉर्मली सॉल्व करने के लिए कह रहा है उसे आप एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो डाउट्स होगा वो आप कमेंट में सेंड करना, आई विल हेल्प यू। ओके, अगला टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। आपकी बुक में अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है, तो जो एज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या मैथमेटिकल फॉर्म होगी, तो उसके लिए थोड़ी सी बातें आप ध्यान से सुनेंगे। देखो क्वेश्चंस में हमेशा किसी दो बंदे के बारे में बात होगी और क्वेश्चंस में कहेगा 5 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद या 4 ईयर्स से पहले या 6 ईयर्स से पहले, हमेशा जिस कैरेक्टर की बात होगी क्वेश्चन में उसकी प्रेजेंट एज को हम एक्स और वाई ईयर्स मानेंगे। पहले कैरेक्टर्स की प्रेजेंट एज को एक्स ईयर्स, दूसरे की वाई ईयर्स, और जितने साल बाद की बात कहेगा हम क्या करेंगे प्रेजेंट एज में उतना ऐड करेंगे। सपोज मोहन की आयु आज एक्स ईयर्स है तो 5 ईयर्स बाद उसकी एज कितनी होगी, एक्स प्लस 5 ईयर्स। सोहन की एज आज वाई ईयर्स है, 4 ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी होगी, वाई प्लस 4 ईयर्स। इसी प्रकार से अगर कुछ ईयर्स पहले की बात करेगा कि मोहन की एज 10 ईयर्स पहले कितनी होगी, आज अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है तो 10 ईयर्स पहले उसकी एज क्या होगी, एक्स माइनस 10 ईयर्स। सोहन की एज 8 ईयर्स पहले कितनी थी, तो सोहन की एज प्रेजेंट एज कितनी है, वाई, उस वाई में से 8 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। जितना साल पहले कहेगा प्रेजेंट एज में से उतना माइनस करेंगे, जितना साल आफ्टर कहेगा, हेंस कहेगा, बाद कहेगा,
उतना इयर्स प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके चलो तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, आपकी बुक में मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन है एज वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस आपको सही से समझना है। चलो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ध्यान से सुनिए। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. दो कैरेक्टर, एक नूरी और एक सोनू की बात हो रही है, तो हम सीधा मान लेंगे, सपोज लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू वाई ईयर्स। मैंने मान लिया कि नूरी की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है और सोनू की प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है। अब क्वेश्चन में दो सिचुएशन है, एक कह रहा है 5 years ago, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 10 years later। ओके बच्चों 5 years ago अगर हम एगो, इट मींस पहले की बात हो रही है, नूरी की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है। अगर आप 5 years ago निकालोगे तो इसकी एज कितनी होगी, x-5 years। सोनू की एज 5 years ago कितनी होगी, y-5 years। और सोनू की, नूरी की एज 10 years later कितनी होगी, x+10 years। और सोनू की एज 10 years later कितनी होगी, y+10 years। तो एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x-10 years और एज ऑफ सोनू, सॉरी 5 years की बात हो रही है, x-5 years, एज ऑफ सोनू y-5 years, 10 years later की बात हो रही है, तो एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x+10 years, एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y+10 years। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइव ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी। 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी, x-5, थ्राइस थी किसकी, सोनू की एज की y-5। तो इक्वेशन बनेगी x-5, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y-3, 5 15। y वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके आओ, x-3y = -15+5, तो x-3y = -10 इक्वेशन फर्स्ट। ओके 10 years later की बात क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी, तो नूरी की एज कितनी हमारी, x+10, ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की, तो सोनू की एज को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 years later एज ऑफ नूरी इज ट्वाइस द एज ऑफ सोनू, तो क्या होगा, x+10 = 2 को y से मल्टीप्लाई करो, 2y+20, 2y को लेफ्ट साइड लेके आओ, x-2y = 20-10, तो x-2y = 10 इक्वेशन सेकेंड। बच्चों हमने इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया, अब इस इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, आपके पास 3 मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी एक मेथड से, तीनों मेथड से आंसर सेम आएंगे, हम सबसे आसान होता है एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस टेन, सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस टू वाई इक्वल्स टू टेन। बच्चों यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी है तो डायरेक्टली आप माइनस करो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस करो। जब भी आप माइनस करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइन क्या होते हैं, चेंज। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई क्या होगा माइनस वाई, और माइनस टेन क्या होगा माइनस ट्वेंटी, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू कितना होगा हमारा 20। इस y की वैल्यूज को या तो फर्स्ट में पुट करो या सेकेंड में पुट करो, आपकी मर्जी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस टेन, तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री वाई के प्लेस पे कितना पुटअप करेंगे 20 इक्वल्स टू माइनस टेन, तो x माइनस सिक्सटी इक्वल टू माइनस टेन, तो x इक्वल्स टू माइनस टेन प्लस सिक्सटी, तो x इक्वल टू 50। बच्चों हमने x किसे माना था, परसेंटेज ऑफ नूरी, हेंस परसेंटेज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स एंड परसेंटेज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 ईयर्स। लास्ट में इस चीज को हम लैंग्वेज में लिखेंगे और यही हमारा आंसर है। ओवरऑल कहने का मतलब आपको बातें याद क्या होनी चाहिए एज वाले क्वेश्चन में, जिस कैरेक्टर की बात हो रही है उस कैरेक्टर की एज को हम एक्स और वाई ईयर्स मानेंगे। जितना ईयर्स एगो या बिफोर, एगो बिफोर दोनों का मतलब होता है पहले, लेटर या कभी कभी इसकी जगह पे हेंस का यूज करते हैं, हेंस लेटर दोनों का मतलब होता है बाद या आफ्टर ऑल्सो। तो 5 इयर्स पहले अगर एज निकालेंगे तो दोनों में से 5 इयर्स क्या करेंगे माइनस करेंगे, 10 इयर्स लेटर निकालेंगे दोनों में 10 इयर्स क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 5 इयर्स पहले नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, तो 5 इयर्स पहले नूरी की एज एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू थ्राइस किसकी थी, सोनू की एज की, तो 3 इंटू वाई माइनस फाइव, यहां से आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगेन 10 इयर्स लेटर नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस होगी, 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस होगी, तो 10 साल के बाद नूरी की एज कितनी है x प्लस टेन और सोनू की एज कितनी है y प्लस टेन, ट्वाइस होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर, यहां से आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद इस दोनों से हमने x और y की वैल्यू निकाली। ओके पॉज द वीडियो टू नोट।